वेलकम बैक फॉर एचटेट तैयारी। भिवानी और सोनीपत जिले कब अस्तित्व में आए? 22 दिसंबर 1972 को। कुरुक्षेत्र जिला कब बना? 23 जनवरी 1973। सिरसा जिला कब बना? 26 अगस्त 1975। फरीदाबाद जिला कब बना? 2 अगस्त 1979। पानीपत जिला कब बना? 1 नवंबर 1987। कैथल, रेवाड़ी और यमुनानगर जिले कब बने? 1 नवंबर 1999। पंचकला को जिले का दर्जा कब मिला? 15 अगस्त 1995। फतेहाबाद और झज्जर जिले कब बने? 15 जुलाई 1997 को। मेवात जिला कब बना? 4 अप्रैल 2005। पलवल जिला कब अस्तित्व में आया? 13 अगस्त 2008। जमींदार लीग की स्थापना किसने की थी? चौधरी छोटू राम। कुंडली मानेसर पल्लव एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? 135.6 किलोमीटर। सन 2008 में हरियाणा में सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया? रेवाड़ी। कुंजपुरा में सैनिक स्कूल किस वर्ष बना? 1961 में। हरियाणा का बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? करनाल। गोरखपुर परमाणु बिजली संयंत्र की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होगी? 2800 मेगावाट। हरियाणा में परमाणु विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है? जसोर खेड़ी झज्जर में। हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस 23 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? इस दिन राव तुलाराम का शहीदी दिवस होता है इसलिए। अंबाला में सैनिक छावनी अंग्रेजों ने कब बनाई? 1843 में। हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भीम पुरस्कार। भीम पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? 5 लाख रुपए। मिनी क्यूबा के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? भिवानी। मिनी क्यूबा के नाम से प्रसिद्ध है भिवानी शहर। देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? पानीपत, हरियाणा के अंदर पानीपत में। राज्यपाल बनने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन थी? चंद्रावती। हरियाणा में किस जिले में ट्रैक्टर बनाने का कारखाना है? फरीदाबाद में। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है? 34%। हरियाणा का कौन सा जिला वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए प्रसिद्ध है? अंबाला। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास है झाड़ू फिरी। कौन सा है? झाड़ू फिरी। 1 जुलाई 1961 में कल्पना चावला का जन्म कहाँ पर हुआ था? करनाल। हरियाणा के किस प्रसिद्ध मेले में सरोवरों में स्नान तथा पितरों की सदगति के लिए पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं? पेवा मेले में। हरियाणा राज्य के किस स्थान पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का वह शहर जो विश्व मानचित्र में धान का कटोरा व हरियाणा का पेरिस उपनामों से जाना जाता है? करनाल। करनाल शहर है जो धान का कटोरा उसको कहते हैं या हरियाणा का पेरिस भी उसे कहा जाता है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिसर सरोवर तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है? श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश वहां पे दिया था। हरियाणा के जो कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिसर सरोवर है वहां पे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गुलाम शासिका रजिया सुल्तान की कब्र कहाँ पर है? कैथल में। हरियाणा राज्य की विधानसभा की कुल सीटें कितनी है? 90। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान आता है? 16वां स्थान आता है। जनसंख्या की दृष्टि से 16वां स्थान आता है हरियाणा का। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल में स्कूल स्थित है। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल कहाँ स्थित है? राई सोनीपत में। हरियाणा की वह महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला थी? संतोष यादव। हरियाणा की थी संतोष यादव लेवी। राज्य का वन्य प्राणी विहार सुल्तानपुर पक्षी विहार किस जिले में है? गुड़गांव। हरियाणा का राज्य खेल कौन सा है? कुश्ती। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? नील गाय। किस पक्षी को हरियाणा के राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है? काला तीतर। त्रायन का मैदान वर्तमान में कहाँ है? करनाल। सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा के किस जिले में स्थित है? करनाल। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित है? सिरसा।
गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित है? हिसार। हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1970 में। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय राज्य के किस जिले में स्थापित है? हिसार में। नेशनल रिसर्च सेंट्रल ऑन इनवाइंस किस जिले में स्थित है? हिसार। थैंक यू।